माता बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण बात मैं आज बोल रहा हूं, हो सके तो जीवन भर याद रखना। तुम्हारे अपने घर के संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति बाहर का तुम्हें आइडिया दे तो बाहर के लोगों की ज्यादा बात आप मत सुनना। इवन बहन बेटियों को उससे भी बड़ी बात कहूं, तुम्हारे ससुराल के विषय में अगर तुम्हारी मम्मी भी ज्यादा इंटरफेयर करे और ज्यादा आइडिया दे तो मम्मी के भी फोन ससुराल में लेके कम सुनना। जो चीज मैं आपसे बोल रहा हूं अगर इसको लागू करेंगे तो मुझे लगता है आपके ससुराल जो आज की स्थिति है उसमें कम से कम 30% एक्स्ट्रा शांति का अनुभव आप करेंगे। क्यों? तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हें खुशी देखना चाहती है, प्रसन्न देखना चाहती है, तुम्हारे हित की बात करेगी। तो वो तुम्हारी मम्मी पता है क्या चाहेगी? देवरानी काम ज्यादा करे और तुम काम कम करो। वो ऐसे आइडिया देती रहेगी, तू ऐसे कर लिया, दर्द का बहाना बना, तेरे सर में दर्द है। अब वो न दिखे किसी को, सर का दर्द दिखेगा, बस करना वो, मम्मी मेरे दर्द आई नहीं, बट तू कह कि तुझे है, तुझे दर्द है, मम्मी मुझे नहीं है। तू रूमाल बांध ले, साड़ी बांध के बैठ जा। और कई मम्मी हामी भर रही है कि हाँ मैंने भी ये आइडिया दिया था। जब मम्मी का प्रेम है, वो गलत नहीं है, मम्मी का प्रेम है कि वो दिल से चाहती मेरी बेटी स्वस्थ रहे, कम काम करे, पर ससुराल में ऐसा नहीं होता है। कोई बेटी जो आपके यहां बहू बन के आई है ना, जब वो ये करेगी तो आपको तकलीफ होगी। तो दो काम महत्वपूर्ण है, एक तो बाहर के लोगों की बातें आप ज्यादा मत सुनो अपने घर के संदर्भ में। एक मम्मी भी अगर ज्यादा कॉल कर करके आपको आइडिया देती हो तो उस आइडिया को अपने माइंड के हिसाब से अप्लाई करो, ज्यादा अप्लाई मत करो, और उस घर की स्थिति के अनुसार अपनी जिंदगी जियो। फिर देखो, छोटी छोटी बात कभी मायके की मायके वालों को नहीं बतानी चाहिए। बड़ी बात हो, कोई वैसी गलत बात हो तो जरूर बतानी चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बातें अपने आप से खत्म कर दो, तुम्हारा परिवार तुम्हारा घर सुखी होगा। और एक और बात सुन लो, न तो मैं तुम्हारे मायके वालों में से हूँ, न तुम्हारे ससुराल वालों में से हूँ, तो मुझे तो न तो कोई प्रॉफिट है न कोई नुकसान है, लेकिन हाँ एक चीज है, आप हमेशा कृष्ण भक्ति मुस्कुराते हुए अपने घर को चलाते रहें और भक्ति करते रहें, आपको प्रसन्न देखकर मेरा कृष्ण प्रसन्न होगा, और उन्हें प्रसन्न हो गए तो फिर हम भी प्रसन्न हो जाएं। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।